हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं वेज पुलाव, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और हमने ये चावल लिए हैं, हमारे 1 किलो चावल हैं जिनको हमने पहले आधा घंटे के लिए भिगो दिया है, जिससे कि हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से खिले खिले दिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये 2 से 3 बड़े साइज की प्याज हैं, इनको हमें गोल्डन करना है। प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है हमारा। और दोस्तों, इसको बनाना बहुत ही आसान है, और खाने में जितना ज़्यादा बनाना आसान है उतना ही ज़्यादा खाने में ही टेस्टी होती है। थोड़ी प्याज जो है वो हम निकाल लेंगे, और ये हम आपको बाद में बताएंगे कि हमने ये प्याज क्यों निकाली है। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, 2 से 3 तेजपात का पत्ता, 2 इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, हम भूनेंगे जिससे कि हमारे लहसुन अदरक का कच्चापन चला जाए। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, हमारे ये 2 टमाटर हैं। ये हमारी थोड़ी गाजर है, ये भी इसी में डाल के अच्छे से भून लेंगे। एक हमारी इसमें शिमला मिर्च है, को हम अच्छे से भूनेंगे तेल में, जिससे कि इन सब्जियों का जो है वो कच्चापन चला जाए। एक गोभी है हमारी, इसको भी हमने बारीक काटा है, इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। देखना दोस्तों, ये सारी सब्जियाँ डालकर जब हम पुलाव बनाएंगे अपना, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में हमें बताएं कि कैसे लगा हमारी रेसिपी। 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, ये हमारा बिरयानी मसाला ही है, अच्छे से मिला देंगे। सब्जियाँ हमारी जो हैं उनका पानी सूख चुका है, और काफ़ी हद तक हमारा तेल जो है वो दिखने लगा है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे, ये हमारी फ्रेश मटर है, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये हमारे 3 से 4 आलू हैं, इन सारी सब्जियों को हम अच्छे से तेल में अपोर लेंगे, क्योंकि इन सब्जियों को तेल में भूनने के बाद इनमें अलग ही टेस्ट आ जाता है। हरी मिर्च डाल देंगे, आप अपने हिसाब से डालें। देख सकते हैं हमारी सब्जियां जो हैं वो अच्छे से भुन गई हैं, और तेल जो है वो सब बाहर आ गया है। अब हम अपने चावल डाल देंगे इसमें, आधा घंटा हो गया चावलों को। अब हम पानी डालेंगे, हमने पहले से भिगो के रखा था इसलिए हम चावलों में पानी थोड़ा कम ही रखेंगे। अभी थोड़ा कम है पानी हमारा, तो थोड़ा और लेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें, अगर आपने 2 कटोरी चावल लिया है तो 2 कटोरी ही पानी डालें, क्योंकि ये चावल हमारे पहले से भीगे होते हैं इसलिए वो पानी कम सोखते हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, चावल हमारे ज़्यादा क्वांटिटी में हैं तो उस हिसाब से हमें नमक भी ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से डालें नमक।
एक पैकेट हम यहाँ पर मैगी मसाले का डाल देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी हमारे पुलाव में। हम इसे बाद में ही डालना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम ये पहले डाल देते तो इसकी खुशबू जो है वो नहीं रहती। अब इसको एक बार हम अच्छे से चला देंगे। और अब हम इसे ढककर पकाएंगे। एक बार खोलकर हम चला देते हैं अपने चावलों को। देख सकते हैं हमारे पुलाव का कलर जो है कितना जबरदस्त आया है। आराम से हमें चलाएंगे ये, ताकि चावल हमारा टूटे नहीं। दोबारा से ढक देंगे। पानी जो है सब खुश्क हो गया। अब हम इसको दम के लिए लगाएंगे। हम इसमें थोड़ा कलर डाल देंगे। और हमने जो प्याज बचाई थी वो भी थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे। बिरयानी जो है वो तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे सब्सक्राइब करें।